शाम के समय आप अपने घर में बैठे नहीं रह सकते, आपको तो ये मन जरूर करेगा कि थोड़ा सा तो टहल लें। जब आप टहलने निकलेंगे तो 10 दोस्तों मिलेंगे ही आपको, जब 10 दोस्त मिलेंगे तो सुबह के सारे थकानों के बारे में आप अपना चर्चा करेंगे, सुबह आपने क्या काम किया, कल क्या होने वाला है, आगे आपका प्लान क्या है, ये सारी बातों के बारे में चर्चा करेंगे, पॉलिटिकल डिस्कशन भी होगा। लेकिन इन सब डिस्कशन के बाद आपको खाने का मन तो ज़रूर करेगा, वो खाना घर का तो आप नहीं खाएंगे, आपको मन करेगा कि बाहर किसी ढाबे में किसी होटल में कहीं चाय पी लें या फिर कुछ चाय नाश्ता कर लें। आज मैं अकेला टहलता टहलता थोड़ा दूर निकल गया, एक मुझे शॉप दिखा, एक छोटा सा टेबल, टेबल के ऊपर अंडे के कुछ कैरेट, उसके ऊपर एक लैम्प और एक कुर्सी पे एक पूरी दादी बैठी हुई थी। उन्हें मैंने 2 अंडे का ऑमलेट बनाने का ऑर्डर दे दिया। उनके द्वारा गैस को जलाया गया, गैस को जलाने के लिए वही माचिस का इस्तेमाल की। मज़ेदार बात ये रही, जब गैस के ऊपर वो पतीला रख रही थी, वो पतीला बार बार गिरने की कोशिश कर रहा था, तब उन्होंने एक छोटे से बालक को बुलाकर थोड़ी देर के लिए उस पतीले को पकड़ने को कहा, ताकि जब तक उस पर ऑमलेट के लिए सामग्री डाले तब तक वो पतीला गिरे ना। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो शाम में ग्रुप बनाकर टहलते हैं और वे इस तरह की दुकान में जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, चाय नाश्ता करते हैं और दुकान के ऑनर से बातचीत करते हैं। बातचीत करने के दौरान दुकानदार अपना अनुभव शेयर करता है और हमारे दोस्त भी अपना अनुभव शेयर करते हैं। दोस्तों के बीच में असली प्यार तो तब दिखाई देता है जब चाय नाश्ता करने के बाद पैसा देने की बारी आती है। पैसा देने समय हर आदमी हिचकिचाता है, हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, अंत में देना तो पड़ता ही है। एक चीज़ लेकिन मेरे दोस्तों में बहुत अच्छी है, जब वे पैसा देते हैं और वापस जब उन्हें चेंज मिलता है तो वे चेंज को एक एक रुपया करके गिनते हैं। गिनने का कारण ये नहीं है कि उन्हें पैसा कम मिल रहा है, गिनने का कारण ये है कि एक रुपया भी ज़्यादा ना मिल जाए हमें। मेन गिनने का मकसद यही होता है कि किसी गरीब का एक रुपया एक्स्ट्रा भी मेरे पास ना आ जाए। जब मेरा ऑर्डर तैयार हो रहा था, ठीक उसी वक्त एक रिक्शा चालक जो कि अंडा का शौकीन जान पड़ रहा था, वो भी वहाँ रुका। उसने एक अंडे का ऑर्डर बॉयल अंडे का उसे दिया। अगर आप शाम में नहीं घूमते हैं तो शाम में घूमने की आदत डाल लें, कुछ नहीं तो कम से कम जाके बाहर भुजा खा लें या इस तरह का कोई दुकान मिले जहाँ पे ज़रूरतमंद लोग होंगे उनके पास आप जाएँ, कुछ ना कुछ ज़रूर खाएँ, पैसे हो ही जाएंगे आपके पास, कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाएगा। आप लेकिन डेली शाम में टहलने का आदत डालिए। मूड को रिलैक्स करने के लिए एक और वाक्य हुआ उस समय, जब मेरा ऑर्डर तैयार हो रहा था, एक बुजुर्ग व्यक्ति जो कि रिक्शा चालक था वे वहाँ रुका और एक बॉयल अंडे का ऑर्डर उसने उस बूढ़ी माँ को दिया। मेरा ऑर्डर तैयार होते हुए देख उसने अपना अनुभव शेयर किया कि इसे अब पलटने का बारी आ गया, अब इसे पलटा जाए, एकदम थोड़ी देर में तैयार होने ही वाला है। बूढ़ी माँ ने आँच को कम कर दिया। मुझे बहुत देर खड़ा देखकर उन्हें लगा कि मुझे अभी बैठने की ज़रूरत था, तो उन्होंने अपने बगल के एक बच्चे को बोलकर मेरे लिए कुर्सी मंगाई, जिससे मैं और भी धन्य हो गया। गया तो था केवल 20 रुपये का ऑमलेट खाने, लेकिन उन्होंने 20 रुपये के ऑमलेट के साथ इतना ज़्यादा प्यार मुझे दे दिया ना, जिसकी मैं कीमत भी नहीं लगा सकता। मेरे कहे अनुसार उन्होंने आँच को धीमी कर ऑमलेट को पकाया, पलटा और अंदर सूखा रह जाए, इसलिए उन्होंने दाबा ऑमलेट को ताकि अंदर सूखा रहे, एक बार मोर के भी उन्होंने दाबा। आज का अनुभव जो कि मैंने शेयर किया है आपको YouTube चैनल के माध्यम से, आपको कैसा लगा इसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा। और हाँ, शाम में आप घूमते हैं या नहीं, अगर आप घूमते हैं तो आप जो चटपटा खाना खाते हैं या फिर कुछ मीठा खाते होंगे, उन्हें इस तरह के दुकान में खाने में कैसा महसूस होता है, वे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। मैं सदा आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा।